हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी बज रहे हैं दिन के 12 और मैं रेडी हो गई हूँ। मुझे निकलना है अपनी कज़न से मिलने, यानी कि अपनी चचेरी बहन के पास। तो हम जा रहे हैं सिद्धोवाला की ओर, और बने रहिए मेरे साथ। अभी हम गड़ी कैंट में हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हुई है, देखिए, देख सकते हैं आप। बहुत पसंद है ये रूट। मुझे बस निकालने का मन नहीं है। कैसी है? तो फाइनली हम हॉस्टल में पहुंच चुके हैं यार, कोई दिख भी नहीं रहा यहाँ पे। मिरर तो अच्छा है, डोर भी लॉक है। यहीं पे रहता है ना वो, यहीं पे रहता है। लवली लवली, चल देख के आते हैं। डोर लॉक कर। लवली, कोई है नहीं। छत में भी कोई नहीं है? कॉल कर जरा से। यही है ना सही? तो आ रखे हम घर पे ना, कहीं किसी के घर तो नहीं घुस गए। आ जाओ, मैं तो कॉल कर लेती हूँ। ओ
यस वी आर। हेलो कहाँ है, कहाँ है, घर पे तेरे? आ जा। तो गाइज हमें अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो बाहर गई है शायद किसी काम के से, तो हमें वेट करना पड़ेगा। गाइज पीजी वाले बच्चों के हाल देखो, इतना गंदा बना रखा रूम, हाय राम, कपड़े सब कुछ। ये इसलिए क्योंकि ये लोग अभी घर गए होते छुट्टियों में दीपावली की, तो शायद ठीक कर लेंगे जल्दी। चल दरवाज़ा बंद कर। कहाँ पे बैठे पर? ये लवली का बेड है आई थिंक। ये गाइज ये आ चुकी है मेरी कजन लवली, से हाय। हाय। कुछ कहना चाहिए? ये घर से आइए, चलो फिर चलते हैं। तो गाइज अभी हम भी आप बच्चों को फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग देखने जा रहे हैं, तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, सो वी आर गोइंग विद देम। आए वही को जा रहे हैं, पता नहीं कितने दूर जाना है। तो मेरा घर वाला रूट आ गया, यही सो जाती हूँ मैं। अभी हम जा रहे हैं विदाउट हेलमेट, अगर कोई पुलिस वाला पकड़ेगा तो हमारे चलान कट जाएगा, और मैं रिस्क लेके वीडियो भी बना रही हूँ इस मैडम को देख के। इसने हेलमेट भी सॉरी पूरा फेस कवर कर रखा और इसको तो सॉरी गाइस, मैं अभी आपको एक चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि अभी एक भैंस मुझे मारने आ रही थी। मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ कि ब्लैक कपड़े पहने हुए, तो भैंस मारने आ रही है मेरे को और मुझे भागना पड़ा उस चीज़ से, वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, है ना। अच्छा लग रहा था कि दूर से भैंस मारी थी और मैं दौड़ रही थी, बताओ सब लोग मजे आए। इनको मजे आए, बजाओ जाओ बेल बजाओ। इतनी भी नहीं डिंग 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 का भाई, लाइट नहीं है, फेमस हो जाऊंगा बहुत ज्यादा। इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर? हाँ इतना हैंडसम और क्यूट लड़का, मेरे को नमस्ते बोल रहा था गाइस। ये मैं दीदी लग रही हूँ क्या, या इतनी बड़ी आंटी लग रही हूँ? दीदी से भी ज्यादा। घोर अपमान, घना घोर, घनघोर राजस्थान, वो तो खतरनाक है राजस्थान वाला, शक्ल ही नहीं दिखा रहा है वो, शक्ल ही आप मेरा फोन देख सकते हो। तो गाइस अभी हम चाय सुट्टा बार में जा रहे हैं, देखते हैं आपका टेस्ट कैसा है, और थक भी गए बहुत ज्यादा, तो कुछ तो खाना ही बनता है। लंच करने का टाइम है पर लंच नहीं कर सकते, ये भाई साहब पार्टी दे रहे हैं। भाई साहब शर्म करो, ये फाइनली इसने अपना चेहरा दिखाया गोरा गोरा, सब कवर कर रही थी काला ना हो जाए, टैनिंग ना हो जाए। कोई नहीं, हम तो काले ही हैं, दिल से गोरे हैं। मुझे से गोरे लोग काले हो गए तो फिर मेरा क्या होगा? अभी इसकी आवाज निकल रही है। तो चलो देखते हैं खाने में क्या है, बहुत भूख लग रही है, इसका पीजी तो मिलने से रहा। तो गाइज अभी हम हैं नौगांव पे और यहाँ पे चाय सुट्टा बार है, तो बहुत भूख लग रही थी, हम यहाँ पे आ चुके हैं खाना खाने, तो हमने ऑर्डर किया है रेड सॉस पास्ता और एक मार्गरीटा पिज़्ज़ा एंड फो अदरक वाली चाय या चॉकलेट चाय जो भी मिल जाए। तो ये बंदा बोला था कि मैं बताऊँगा हम कौन सी प्लेस पे है, पर ये मुँह छिपा रहा है कैमरे को, फेस नहीं कर पाते हैं। ये क्यूट है ना, इसको ही निकालता है, डिम्पल बन रहा है इसके। डिम्पल वाला ये देख, इसमें चाय
डाल के पी सकते। ये दोनों कॉलेज से भाग के आए हैं क्योंकि इसलिए रूम ढूंढना था जो कि मिल नहीं रहा। हमारी क्लास में कोई नहीं था, कोई नहीं था, तो इनको लगा कि एक सुंदर सी लड़की के साथ रूम ढूंढने चल लेते हैं हेल्प करने। हम एक के साथ आए, बाद में दो हारने वाले थे। बाई वन गेट टू फ्री का तो पता नहीं, पर जैसे ही मुझे ये लोग दिखे पता नहीं इन लोगों ने क्या सोचा। गाइज मुझे ये नमस्ते कर रहे थे, मैं इतनी बड़ी तो लगती नहीं हूँ, हालांकि मैं इन लोगों से एजुकेशन में और एज में बड़ी हूँ, नो डाउट। सारा खाना इमानी ने खाया, फिर भी पतली है, इन दोनों ने मिल के खाया है सारा खाना। क्या बोलना चाहोगी आप, पेट भरा या नहीं भरा? मैंने बताऊंगी। तो गाइज मैं हम लवली के रूम पे पहुंच गए पीजी पे, और वो मुझे दिखा रही कि वो खटीमा से क्या क्या शॉपिंग करके लाई। इतने आते आते सुंदर से स्वेटर लेके आई है, देखो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एक ही स्वेटर लाई है, मेरे को तो बहुत सुंदर लगा, क्यूट सा वाइट कलर का, वाइट इज़ माई फेवरेट कलर। और मेरे को बहुत भूख लगी थी तो मैं खा रही हूँ, क्योंकि चाय सुट्टा पार में खा के मेरा पेट नहीं भरा गाइस, मैं बहुत भूख करूँ। उसको भी दिखा दो कैसे देख रही है, ये तो बहुत खाती रहती है 24 घंटे आऊं आऊं कर रही है। ये लवली मिले मिठाई लेके आई है, वाओ माय फेवरेट, लाल चारा मुंह पे बहुत टेस्टी। मुझे खटीमा से ये वाली मिठाई बहुत पसंद है, इसे मेरे को ये हमेशा लेके आती है। आप ही खाओगे, आपको जब मिलोगे आप खिलाएंगे। सो हे गाइस गुड इवनिंग, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हम लोगों ने पूरे दिन पीजी ढूंढा पर एक भी पीजी नहीं मिला। मिला तो पर वहाँ पे एक और रूममेट की ज़रूरत थी जो अभी हमें ज़रूरत है नहीं, सिंगल ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो गाइस सिद्धो वाला में आपके पहचान में कोई पीजी मिल जाए तो बता दे, कॉन्टेक्ट कर दीजिए और कॉमेंट में कॉमेंट कर देना। तो गाइज अभी हो गई है शाम, बहुत 6 बज चुके हैं, अब हमें भी घर निकलना है, हमारा घर बहुत दूर है। तो लवली टिल नेक्स्ट टाइम पीजी ढूंढेंगे, एक महीने तक एडजस्ट कर ले, अगर मिल जाती नहीं मिलता तो मिलते हैं, बाय बाय किसी। ओके गाइज बाय, फिर भी चिढ़ रही है, तो बातें इसको भी किसी करेंगे। चलो मिलते हैं, सी यू, टाटा गाइज।